ब्रेड खत्म हुई हुई थी, ब्रेड ली है और टमाटर लिए हैं, टमाटर खत्म हुए हुए थे बिल्कुल और क्रिस्प खत्म हुए हुए थे, ये लेकर आए हैं, ये सिर्फ चार ही मिली हैं। आलू खत्म हुए हुए थे, आलू लिए हैं, हैंड वॉश खत्म हुए हुए थे और ये मैं इनो लेकर आई हूँ। ये वाला अंगूर मीठा होता है और इसमें सीड नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही होता है। सॉप खत्म हुआ हुआ था, बाकी सैलेड काटे ना काटे, और एक ही जूस लेकर आई हूँ। रोज ने ये चीज भी ली है, बेबी बेल। ये थी मेरी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। मैं अभी आई हूँ शॉपिंग करके और मैंने सोचा कि आज मैं किचन में वीडियो बनाती हूँ फ्रीज़र के ऊपर। वैसे मैं अंदर डाइनिंग रूम में बनाती हूँ, टेबल के ऊपर चीज़ें रख के, तो वो थोड़ी ईजी बन जाती है वीडियो। तो चले आज यहाँ पर बना के देखती हूँ। तो ये मैं इनो लेकर आई हूँ, ये वैसे यूज़ नहीं होती है मेरे घर में। मैं ये ढोकला बनाती हूँ तो उसके अंदर डालती हूँ। ढोकला मेरे घर में मेरे बेटे को और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत बनाती हूँ। ये उसके लिए इनो लाई हूँ। और बिस्किट ख़त्म हुए हुए थे पाकिस्तानी, टाइगर बिस्किट मिले और कैंडी। मुझे पाकिस्तान के और इंडिया के बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं, यूके के नहीं लगते हैं अच्छे। रिगल का ये केक बहुत अच्छा होता है, एक ये लेकर आई हूँ। और ब्रेड खत्म हुई हुई थी, ब्रेड ली है। वॉशिंग लिक्विड, ये जितने कलर होते हैं वहां पर अवेलेबल मैं ले आती हूँ सारे, क्योंकि सबकी प्राइस एक जैसी होती है, सेम होती है। और एक ये लाई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, ये जिस तरह हमारा पाकिस्तानी बन होता है, येलो वाला पहले पहले आता था, अब तो वो व्हाइट हो गया है, बिल्कुल वैसे ही होता है। ये भी हैंड वॉश खत्म हुए हुए थे और भी थे, ये बच्चे ऊपर ले गए। बाकी फॉइल खत्म हुई हुई थी, फॉइल ली है। सोप खत्म हुआ हुआ था, खत्म नहीं हुआ हुआ था, दो अभी रहते थे। जब दो रहते हैं तो फिर हम और ले आते हैं, टॉपअप हो जाता है तो फिर भूलने के चांस कम होते हैं। दो या तीन रहती हैं ना फिर ले आते हैं। और ब्रश लेकर आए, ये एक्स्ट्रा लाके मैं रखती रहती हूँ, काफ़ी दिनों से नहीं आए थे तो मैंने सोचा कि मैं इस बार ले लेती हूँ। और फ्रूट लेकर आए, ये वाला अंगूर मीठा होता है और इसमें सीड नहीं होते, जिस अंगूर में सीड होती है मेरे बच्चे वो खाते नहीं हैं, तो ये वाला मीठा भी होता है और इसमें सीड भी नहीं होते हैं। और ये पेन वाली जेल, ये फार्मेसी पे दे दी थी जितनी देर में हमने शॉपिंग की है, तो ये भी रेडी हो गई थी। ब्रंच बार, ये बच्चे खाते हैं शौक से मेरे, तो ये थोड़ी हेल्दी होती है क्योंकि इसमें ओट्स होते हैं, तो ये फिर मैं ले आती हूँ। टिशू ख़त्म हुए हुए थे, टिशू लिए हैं और इस बैग में सारे टिशू ही हैं। ये हम इकट्ठे ले आती हैं तो काफी दिन के लिए सहूलत हो जाती है, बार बार जाना नहीं पड़ता है टिश्यू लेने। आलू खत्म हुए हुए थे, आलू लिए और बुलेट खत्म थी, लेनी थी लेकिन ये मिली नहीं। हरी मिर्चे, ये सिर्फ चार ही मिली हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाली हैं, ये भी फिर बाकी बाद में ले आएंगे। और टमाटर लिए हैं, टमाटर ख़त्म हुए हुए थे बिल्कुल। वैसे हम पूरा क्रेट लेकर आते हैं, उसमें 6 किलो होते हैं तो उसकी प्राइस बहुत अच्छी होती है और वो फ्रेश भी होते हैं ज़्यादा, लेकिन वो नहीं थे तो फिर मैं लूज ही ले आई हूँ। और क्यूकम्बर ख़त्म हुए हुए थे, ये लेकर आई हूँ। ये मेरे घर में बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसके बगैर खाना नहीं खाया जाता है। बाकी सैलेड काटें ना काटें लेकिन ये ज़रूर कटती है। बाकी भी मैं ट्राई करती हूँ कि सैलेड काट लूँ, अगर ना भी काट सकूँ लेकिन ये होनी चाहिए लाजमी। और क्रिस्प खत्म हुए हुए थे, ये लेकर आए। ये कुछ बच्चों ने ओपन भी कर लिए। और मिल्क लेकर आई हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वीकली ग्रोसरी में, मिल्क, ब्रेड,
फ्रूट्स और ये जूस लेकर आए। समर में मेरे घर में ये वाला जूस लाजमी आता है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। दो ये लिए, मुझे ये वाला ड्रिंक अच्छा लगता है। ये मैंने अपनी ईद वाली वीडियो में भी शायद बोला था कि जिन लोगों को कभी नजर आया आसपास तो ये वाला जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। तो ये जिस शॉप से मिलता है वो शॉप काफी दूर है, मैं जब भी जाती हूँ मैं इकट्ठे ले आती हूँ, लेकिन आज वहां पर ये लास्ट वाला पड़ा हुआ था तो ये एक ही मिला है। एक ये लिया है और एक ही जूस लेकर आई हूँ, ये एक ही लिया है। ये तो बहुत सारे पड़े हुए थे लेकिन मैं एक ही लेकर आई हूँ, इसको मैं एज ए मेडिसिन पीती हूँ, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बच्चे नहीं पीते हैं बिल्कुल भी ये वाला। और अरुष ने ये चीज भी ली है, बेबी बेल, मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं लेकिन ओरिजिनल वाली लेकर आते हैं हम, उनको ओरिजिनल अच्छी लगती है। ये थी मेरी आज की वीडियो, इस वीक की शॉपिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।